अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द न्यूरो एनाटॉमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आज हम स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे और उसमें देखेंगे कि एमसीक्यूज जो है वो किस तरह के आते हैं और कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें एमसीक्यूज और एससीक्यूज के लिए तैयार करनी चाहिए, और उसके अलावा हम सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जो पूछा जाता है आमतौर पे, और जो इसका अपर लेवल है विच बिगिंस एट सुपीरियर बॉर्डर ऑफ एटलस वर्टिब्रा। सो जो फोरमेन मैग्नम में से पास करता है वो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है। सो ऑफन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट स्ट्रक्चर पासेस थ्रू फोरमेन मैग्नम? सो इट इज द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। सो इट्स अपर लेवल बिगिंस एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एटलस वर्टिब्रा। दिस ट्रांजिशन इज ग्रेजुअल। सो फोरमेन मैग्नम में से मेडुला ऑब्लॉन्गेटा पास करता है और उसके बाद ये ग्रेजुअली टिल द अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस वर्टिब्रा इट बिकम्स द स्पाइनल कॉर्ड। सो द अपर एक्सटेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एटलस वर्टिब्रा, और फोरमेन मैग्नम में से मेडुला ऑब्लॉन्गेटा पास करता है। नाउ लोअर लेवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडल्ट्स में लोअर लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द L1 वर्टिब्रा और द अपर बॉर्डर ऑफ L2 वर्टिब्रा। अब रिसर्च ये कहती है कि एक वर्टिब्रा ऊपर और एक वर्टिब्रा नीचे भी कर सकते हैं, ख़त्म हो सकता है, और कई बुक्स जो हैं वो कहती है कि L3 वर्टिब्रा तक भी जा सकता है। सो T12 टू L3 वर्टिब्रा इज द लेवल वेयर द स्पाइनल कॉर्ड इज एंडिंग, बट इन इन्फेंट्स इट एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L3 वर्टिब्रा। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है लंबर पंक्चर का और स्पाइनल टैप का। सो सब एरेक्नॉइड स्पेस जो है वो एक्सटेंड करती है एट द S2 वर्टिब्रल लेवल। सो दिस इज ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन इन द वाइवा क्वेश्चन, ऑफन आस्क्ड इन वाइवा और इन द MCQ फॉर्म, कि वर्टी जो सबरेक्नॉइड स्पेस है वो कहाँ पे एंड करती है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द लंबर पंक्चर और स्पाइनल टैप, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ LP इज टू डायग्नोज और एक्सक्लूड मेनिनजाइटिस इन पेशेंट्स प्रेजेंटिंग विद सम कॉम्बिनेशन ऑफ फीवर, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, हेडेक और सम मेनिंजियल डिसऑर्डर साइंस। तो ये हम देखेंगे कि अब क्या है, किस तरह से इसका क्लिनिकल सिनेरियो बनता है और MCQ पूछा जाता है रिलेटेड टू एनाटॉमी। सो अ 30-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी। सो एन एडल्ट प्रेजेंटेड विद इन इमरजेंसी विद हिस्ट्री ऑफ फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, स्वियर हेडेक होगा फॉर वन डे। ठीक है, पेशेंट जो है कहेगा कि मुझे सर में दर्द है, बेचैन होगा और हाई ग्रेड फीवर होगा उसको। ऑन एग्जामिनेशन ही वॉज फाउंड टू हैव स्टिफ नेक ऑन फ्लेक्शन। नाउ ही वॉज सस्पेक्टेड एज हैविंग मेनिनजाइटिस। इन ऑर्डर टू कंफर्म द डायग्नोसिस लंबर पंक्चर वॉज ऑर्डर्ड टू टेक द CSF सैंपल फॉर केमिकल एनालिसिस। अब लंबर पंक्चर के लिए पेशेंट को कहा गया है कि लंबर पंक्चर इसका होगा। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें वो ये है। सो इस पूरे स्नैरियो में हमें ये बात समझ आई है, उसने खुद ही बता दिया है कि जी ये हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहा है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, हेडेक है, मोस्ट प्रॉब्ली वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मेनिनजाइटिस है, डायग्नोसिस बता दिए। ठीक है, अब वो कहते हैं लंबर पंक्चर लेना है उसका, CSF लेना है। तो टेक्नीशियन जो है ही विल इंसर्ट द नीडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइनल वर्टिब्रल इंटरस्पेसेस। अब किस इंटर स्पाइनल वर्टिब्रल इंटरस्पेस के लेवल पे वो नीडल इंसर्ट करेगा? तो T11, T12 पे तो नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, क्योंकि हमने कहा कि जी T12 पे भी है, L1 पे तो नॉर्मल है कि वो एंड होता है। ठीक है, T12 टू L1 पे भी नहीं करेंगे, L1 टू L2 पे भी नहीं करेंगे, L2 L3 पे भी नहीं करेंगे। सो L4 L5 इज द मोस्ट करेक्ट वन, द करेक्ट आंसर कि L4 L5 के लेवल पे जो है वो हम इसके इसका लंबा पंक्चर करेंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या है, क्लिनिकल सिनेरियो बनाया गया जिसमें कि हिस्ट्री दी गई मेनिनजाइटिस की, और उसके लिए हमने सीएसएफ एग्जामिन करना है, जिसके लिए हमने लंबा पंक्चर करना है, एंड लंबा पंक्चर करने के लिए कौन सी स्पाइनल इंटरवर्टिब्रल
स्पाइनल वर्टिब्रल इंटर स्पेस में जो है वो हम नीडल डालेंगे। ठीक है, तो इसमें L4 L5 भी ठीक है और L3 L4 भी ठीक है। अगर ऑप्शन ये वाली होती, ये ना होती, तो ये भी ठीक थी। तो ये दिस इज एन एडल्ट, और एडल्ट में ज्यादातर जो है ये L1 के लोअर बॉर्डर पे एंड कर जाता है या L2 के अपर बॉर्डर पे। सो द सेफ स्पेसेस आर L3 L4 और L4 L5। सो आंसर इन दिस क्वेश्चन इज L4 L5। सो नेक्स्ट इज, अच्छा अब इसी चीज को हमने देखा है, हमने कहा कि बच्चे में क्या होते हैं। डू यू नो एट व्हाट एज द स्पाइनल कॉर्ड इट कम्स टू लाई एट दी दिस एडल्ट लेवल एट द एज ऑफ 20 इयर्स। तो उससे पहले पहले जो है वो पे उसका लेवल जो है वो डिफर करता है। अ 7-year-old चाइल्ड प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी विद हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर अगेन मेनिनजाइटिस के साथ, जो है मेनिनजाइटिस का सिनेरियो है, लेकिन अब बच्चा प्रेजेंट कर रहा है। 7-year-old चाइल्ड इज प्रेजेंटिंग हियर। ऑन एग्जामिनेशन ही वाज फाउंड टू हैव स्टिफ नेक कॉन्फ्लेक्शन एंड ही वाज सस्पेक्टेड एज हैविंग मेनिनजाइटिस। नाउ इन ऑर्डर टू कंफर्म द डायग्नोसिस द लंबर पंक्चर वाज ऑर्डर्ड टू टेक द सीएसएफ सैंपल फॉर केमिकल एनालिसिस। नाउ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सीएसएफ द टेक्नीशियन विल इंसर्ट द नीडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइनल वर्टिब्रल इंटरस्पेसेस लेवल। सो अगेन द हिस्ट्री ऑफ मेनिनजाइटिस है। वी आर टेकिंग LP लंबर पंक्चर, वी आर डूइंग लंबर पंक्चर टू टेक अ सैंपल ऑफ सीएसएफ फॉर केमिकल एनालिसिस। बट हियर द चाइल्ड इज 7 years old, सो इट इज अ यंगर चाइल्ड, यंगर पर्सन। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? T12 टू L1 नो, L1 एंड L2 नो, L2 L3 नो, L3 L4 इज ऑल्सो नो इन केस ऑफ चिल्ड्रन। सो L5 S1 वी कैन इंसर्ट द नीडल हेयर। नाउ L4 L5 इज नॉट गिवन टू कंफ्यूज यू, इट इज नॉट गिवन हेयर, बट L5 S1। सो दिस इज द स्पेस वेयर वी कैन इंसर्ट एंड टेक द CSF sample. So in child, so this MCQ is about the meningitis. Usually meningitis is asked with history of great high grade fever, irritability, severe headache for short period of time, and there is neck stiffness, and meningitis is suspected, and CSF sample was ordered for chemical analysis, and the technician will insert the needle into which space in case of child. So it will be L4, L5 or S5, L5, S1. So up till L3, L4, no. This is a big no. So these are the wrong answers. The correct one is L5 and S1 here. So this is very important. Now again, same scenario, but the anatomical point is different. A 30-year-old patient presented in emergency with history of high-grade fever, altered mental status, and severe headache for one day. On examination, he was found to have stiff neck conflexion. He was suspected as having meningitis. Now, in order to confirm the diagnosis, the lumbar puncture was performed by inserting the needle in the interspinal space to take the CSF sample for chemical analysis. In this question, the interspinal space is defined. The technician knows the interspinal space. Now, how he detect the interspinal space? He calculate the interspinal space. The imaginary line connecting the highest points of two eyelid crust are used as a guide to the interspinous space to insert the needle. Now, this is the point you have studied in the when you have studied the hip bone, and you know the highest point. So, in this question, he is asking that the technician is performing the lumbar puncture, and he knows that he has to first of all confirm. Here you can see he is confirming the highest point of the eyelid crust, and this highest point of the eyelid crust, it passes from which of the following spines of vertebra lie at this line. So here you can see L4.
spine is lying at this line. So now the same scenario, the patient has got meningitis, CSF is ordered, but the question is different. He's asking about the, it is the same procedure. These all things are occurring in the same procedure, but the anatomical facts are different. So in this question, he's asking about the vertebral spine, which lies at the imaginary line connecting the two highest points of the two eyelid crests. If you concentrate on this skin, supraspinous ligament, ligamentum flavum, dura, and arachnoid. So this is the correct one. This answer is the correct one. Although interspinous ligament is missing here, but the order is correct. So the question can be asked in this sense. You can see here one clinical scenario, and we are making a couple of questions from this single scenario. Now, a 30-year-old patient presented in emergency with history of high-grade fever, altered mental status, severe headache for one day. On examination, he was found to have stiff neck on flexion. He was suspected as having meningitis. In order to confirm the diagnosis, lumbar puncture was ordered to take a CSF sample for chemical analysis. Now, the technician is doing the CSF at the lumbar puncture. Now, while passing the needle through the interspinal space, the pop, a resistance that is often felt in performing a lumbar puncture, is caused by the penetration of which of the following tissue? Now, which of the layer will produce a resistance while we pass the needle? So, ligamentum flavum, subarachnoid matter, the interspinal ligament, supraspinal ligament, or skin. So, correct answer is ligamentum flavum. This is a tough membrane which offers resistance while the needle is passing. So again, an anatomical question. So here you can see the ligamentum flavum. So this is the tough membrane which offers resistance when passing the needle. So termination of the spinal cord is at the level of L1, L2 or L3, or it can terminate at T12. And subarachnoid space ends at the S2 vertebral level. Here you can see subarachnoid space ending at the S2 vertebral level. So these are the viva questions your teacher can ask you. Meningeal layer of the dura mater and the bone. So this is the epidural space. Now after dura mater comes the arachnoid mater here, and between them lies the subdural space. So this is a potential space. And then afterwards the arachnoid matter lies the subarachnoid space. You can see here subarachnoid space, which contains the CSF, the blood vessels, and then the pia matter. You know, pia matter is tethered to the surface of the spinal cord. This is the subarachnoid space, and then the spinal cord itself. Okay, a question arises there that the spinal cord ends at L1 level, but subarachnoid space ends at S2 vertebral level. Why is that? If you know, please comment in the comment section if you know the answer of this question. Now, which of the following structure is present in epidural space? Okay. So what is present in epidural space? The arteries are present? No, the arteries are lying in the pia mater. Interior spinal artery, the posterior spinal artery, CSF is lying in the subarachnoid space. Trabecula is lying in the subarachnoid space. So what remains is the fat. So fat, vertebral venous plexus, and some lymphatics, they are present in the epidural space. So an MCQ regarding the structures present in the structures, which of the following
structures is present in the epidural space. Okay, so subarachnoid space ends at which of the vertebral level? So this is the S2 vertebra.